नवी मुंबई के पावने में शहीद CDS बिपिन सिंह रावत और सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा का आयोजन जय अंबे मित्र मंडल, BJP यूपी सेल, महिला उत्कर्ष समिति और TV1 इंडिया न्यूज द्वारा किया गया था। यहां BJP पदाधिकारी समेत सैकड़ों नागरिकों ने दीप जलाकर शहीद सैन्य अधिकारियों को श्रद्धा सुमन समर्पित किया। यहाँ शहीद CDS रावत के राष्ट्रीय सुरक्षा में दिए गए योगदान और भूमिका को भी याद किया गया। देखिए रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के पहले CDS बिपिन सिंह रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य कर्मियों को आज नवी मुंबई के पावने में श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा का आयोजन जय अंबे मित्र मंडल, BJP उत्तर प्रदेश सेल, महिला उत्कर्ष समिति और TV1 इंडिया न्यूज के सौजन्य से किया गया था। यहां सैकड़ों नागरिकों ने दीप जलाकर शहीद जवानों को अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किया। यहां BJP उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय, उत्तर प्रदेश सेल के संयोजक मार्कंडे केवट, सपा के जिला महासचिव कमर अली चौधरी, पूर्व नगर सेवक राजेश शिंदे, समाज सेवी राजेंद्र इंगले, पूर्व नगर सेवक मधुकर मुकादम, उद्यमी अनिल सिंह, TV1 इंडिया के संचालक सुधीर शर्मा समेत तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सैन्य अधिकारियों को याद करते हुए यहाँ कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं। एक सैनिक जो अपना टॉप पोस्ट पर है, उसका डिसीजन और उसके साथ में जो उसको बैकिंग मिलती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उसका ही रिजल्ट है कि आप देखे होंगे कि जो मिसाइल है S-400, इसके बारे में इतना मजबूत राष्ट्र अमेरिका ने इतना दबाव डाला, लेकिन फिर भी उसको करने में सक्षम रहे। ये पूरा का पूरा क्रेडिट आदरणीय बिपिन रावत जी, उनकी टीम, हमारी सैनिकों को और आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। अभी आप देखे होंगे कि जल्दी ही में उत्तर प्रदेश में अमेठी में AK-203 राइफल बनाने का जो कार्य, मतलब कि उद्घाटन हुआ है, वो देश कैसे आत्मनिर्भर बने। और ये तब हो सकता है कि जब हमारा सैनिक मजबूत हो, डिसीजन लेने में सक्षम हो, चाहे कोई कितना भी दबाव आए उसके आगे न झुके। इसलिए इस देश को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ये देश कभी न रुकेगा न तो झुकेगा, हमें आगे बढ़ना है। और उनके सपने, उनके विचारों को जन जन तक, हर एक भारतवासी तक पहुँचे, यही हमारा कार्य है। शोक सभा का आयोजन जय अंबे मित्र मंडल, महिला उत्कर्ष समिति, भाजपा उत्तर प्रदेश सेल और TV1 इंडिया की तरफ से आयोजन रखा गया था। मैं यहाँ पे सभी संस्थाओं द्वारा जिन्होंने इन महान सपूतों का बलिदान को याद करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल के इकट्ठा हुए हैं, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी शहीद सैनिकों को हम लोग पूरे सभी संस्थाओं की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिपिन रावत जी इस देश के बहुत महान, बोला जाए तो इनकी कमी हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। और इनके साथ जो भी हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं, वो भी अपने आप में एक मिसाल हैं कि जो इनके साथी थे, इनके साथ रह के इनके सारी योजनाओं में, कारगिल जैसे बगे बगे जो इन्होंने जो है कि रणनीति जीती है, वो बहुत सराहनीय है। और इनको जो है कि मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और सशस्त्र नमन करता हूँ कि ऐसे जवान इस देश में फिर से तैयार हों, फिर से आए और इस देश का नाम रोशन करें। भारत के जो रतन को खोया है, ये कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जो CDS के चीफ माननीय स्वर्गीय बिपिन रावत साहब को, इनकी ज़िंदगी की संघर्ष बहुत ही संघर्षशीलता रहा, और आज जो देश के प्रति इन्होंने जान की आहुति को हम लोग को दे करके और देश के हित में रक्षा करते हैं, सभी देशवासी जो कोई हित में काम करते हैं फौजियों को, हम लोग कितना ही भी अगर इनको अगर सम्मान प्रूफ इनको जो है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।